रहा कि व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्व समीकाएं बताना है। तो ये बताओ, आप लोग जानते हो व्यंजक का गुणनफल क्या होता है? बच्चा पहले बताओ, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक क्या होता है आप जानते हो? काहे को यार, देखो जैसे मैंने लिखा यक्स प्लस सेवन इक्वल फाइव, ये क्या है? ये एक बीजीय व्यंजक है। अगर मैंने लिखा यक्स वाई प्लस वन इक्वल फाइव या 15, तो क्या है ये एक बीजीय व्यंजक है। हाँ चलो, ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। अब अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो आप ध्यान देना, ध्यान देना आगे, ये बीजीय व्यंजक है। हमें पढ़ना है बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। ये बताओ, आवाज़ सही आ रही? कम तो नहीं आ रही ना? हाँ, जिसमें चर और अचर दोनों होते हैं, यानी चर और अचर के जो हैं वो संबंध को एक प्रकार से बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप समझ गए? बिल्कुल समझ गए हमारी बात। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। बीजीय व्यंजक मैंने बहुत पहले पढ़ा दिया है, तो देखो क्या पढ़ना है। चलिए ठीक है, एक पदीय बीजीय व्यंजक जानते हो, जिसमें सिर्फ एक पद हो। एक पद मतलब जानते हो, वन टर्म्स। जैसे कोई बताए एक पदीय बीजीय व्यंजक का एक एग्जाम्पल बताइए। चलिए आप बता दीजिए भाई, पूजा यादव, रितेश, मोहम्मद, जुनैद जी, आप में से कोई बताओ। जैसे मैंने लिखा यक्स, तो ये क्या है? ये एक पदीय बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? बोलो, जवाब दो, है कि नहीं है? है ना? अगर मैंने लिखा तीन यक्स, तो ये एक पदीय बीजीय व्यंजक है। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये जिसमें यक्स लगा रहेगा वो एक पदीय बीजीय व्यंजक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जिसमें यक्स नहीं लगा रहेगा वो भी बीजीय व्यंजक है। ये वाई प्लस फाइव, ये बीजीय व्यंजक एक पदीय है भैया? ये एक पदीय नहीं है बाबू, ये द्विपदीय हो जाएगा, याद रखना। कैसे? क्योंकि ये जुड़ेगा नहीं आपस में, और जुड़ेगा नहीं तो बीच में प्लस लगा, दोनों अलग अलग हो जाएगा। इनको मैं पेज नंबर बताऊं, अब अगर किताब लिए हो तो भगवान तो बुद्धि दिए हैं, किताब खोल लो, चैप्टर 8 है। ये भी एक पदीय है। क्यों एक पदीय है? क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो एक पदीय है। तो जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, जल्दी से कर दें, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। चलते हैं मुख्य टॉपिक पर। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये एक पहले हेडिंग डालो ऊपर, चैप्टर का नाम लिख दो चाहे, नहीं तो जाने दो, 8वां चैप्टर है। हाँ लिखो, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। हाँ, हमारा ये जो आज पहला टाइटल है, क्या है हेडिंग लिखो, एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। देखो आज लाइट की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, कल से लाइट तेज हो जाएगी। जो यहाँ पे लाइट कम है ना, वो स्टूडियो वाली लाइट की व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोग फोटो वोटो खिंचाते हो तो लगा रहता है ना छतरी जैसे, वो तो अगर वो हो जाएगा तो लाइट काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे लाइट बहुत कम लगता है, लेकिन लाइट तो मैंने बहुत सारी लगाई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कम लगता है। आप सब इसको सीखे हो, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो क्या आएगा? लगभग सभी बच्चे जानते हैं, चलो बताओ। अगर इसमें 9 से गुणा कर दें तो क्या आएगा? अगर इसमें हम यक्स से गुणा कर दें तो क्या आएगा? और ये हमें सिर्फ और सिर्फ गुणा सीखना है। चलो देखो, ध्यान दो, बहुत ही अच्छे से समझना। यहाँ पे गोल्डन गेमर आ गए तुम यार। चलो ठीक है, अनुष्का शुक्ला जी गुड इवनिंग, पीवीआर स्टडी, रूपा माझी जी गुड इवनिंग। रात्रि 9 बजे से डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर पर आधारित मैथ्स की बिल्कुल फ्री लाइव क्लास शुरू हो चुकी है। तो आप सभी बच्चे देख रहे हैं, आंसर भी बता रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट का आ रहा है। अनुष्का शुक्ला का भी उत्तर आ गया, साक्षी सिंह, रिशु एंड भारती भगत। देखिए जिनको नहीं आ रहा, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, बीजीय व्यंजक का गुणा करना सीखें। देखो इनका मल्टीपल करोगे भाई तो ये 5x हो जाएगा। आप सबको पता है कि ये जो है यक्स एक चर पद है, वेरिएबल है, और जो 5 है
ये एक अचर पद है, एक कांस्टेंट है। जब किसी भी एक चर और अचर का गुणा करते हैं तो कोई नया पद नहीं बनता है। नो, कोई नया पद नहीं बनता है, बल्कि उन्हीं दोनों पदों को मिला के लिख दिया जाता है, पहले अचर पद बाद में चर पद। ये गुणा करने का एक तरीका होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आगे, इसी तरह से सेम इसमें भी होगा, 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 हो जाएगा, साथ में यक्स लगा दोगे, बस इतनी ही कहानी है। आगे अगर हम बढ़ें तो आप सबको नज़र आएगा, काहे को गिर रहे हो यार, विजय व्यंजक का गुणा करना सीखें। ये दोनों अलग अलग हैं, एक अलग चर है एक अलग चर है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो ये भी बगल बगल हो जाएंगे, बस अगल बगल हो जाएंगे, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसका गुणा करोगे, मैंने आपको सिखाया था पहले, शायद कुछ चैप्टर थे किसी क्लास में, इनको सिखाया था, वाई का वाई इसमें गुणा होगा तो वाई का घात 1 और ये 1, वाई का घात 2 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर क्या होता बच्चा, घातें जुड़ जाती हैं भैया, ठीक है। चलो ये बात हो गई पक्की, इतना समझ में आया, सभी बच्चे बोलो यस, और क्लास को तुरंत लाइक करो, देर मत करो, जल्दी करिए, ये कहने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हो तो कहना पड़ता है। सभी बच्चे, अब इस तरह के सवाल तो आप कर लोगे, इसमें तो कुछ नया नहीं है। ये हो गया एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा करना, जल्दी सभी बच्चे बताओ यस कर लोगे ना इसको, इस तरह के सारे सवाल कर लोगे। हाँ, सभी कर लेंगे इस तरह के सवाल, कॉपी पेन लेके बैठा करिए, बिल्कुल फ्री क्लास रात 9 बजे से चलती है, आप लोग क्लास को कम से कम शेयर तो किया करो भाई, संख्या नहीं जुड़ती तो मज़ा नहीं आती है, जब तक 100-200 बच्चे नहीं होते तब तक बिल्कुल मज़ा नहीं आती है, जान लो बस। किसी बीजीय व्यंजक को किसी संख्या से गुणा करने के लिए संख्या का बीजीय व्यंजकों के गुणांक से गुणा कर देते हैं, ये बात तो मैंने बता दिया। अगला देखो, सामान्य आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा करना, सामान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा करना, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, सामान्य, सामान्य नहीं समान, समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। लिख रहे हो कि नहीं? समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा करना, समान आधार वाले बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। तो बच्चा जैसे पहला सवाल है आपका, भाई 3x का गुणा अगर 4x में होगा तो क्या होगा? सभी बच्चे जल्दी से जवाब दो फटाफट, बिना देर करे हुए, सभी स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? चलो देखिए, बहुत से बच्चों का जवाब आ गया, प्रीतम सिंह, नवोदय ट्यूटोरियल, अरविंद, साक्षी, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए, ये तो ठीक है, इसी तरह से बहुत से बीजीय व्यंजक होते हैं जिसमें घात लगी होती है, मैं अभी बताऊंगा, नहीं आएगा तो टेंशन मत लेना, ये लो, ये लो, मैं बताऊंगा कैसे आता है, देखो पहले समझो। देखिए इस तरह के जो नंबर होते हैं ना, उनमें जो गुणांक होता है, गुणांक गुणांक का आपस में मल्टीपल किया जाता है, बस सिर्फ गुणांक का गुणा करते हैं बच्चा, ठीक है। तो गुणांक क्या होता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 19x^5 और यहाँ पर मैंने लिखा 17xy, तो हमें ये बताओ, हमें ये बताओ 19x^5 में x^5 का गुणांक क्या है, बताइए, जवाब दीजिए, x^5 का गुणांक क्या है? गुणांक को इंग्लिश में कॉफिशियंट बोलते हैं, व्हाट इज द कॉफिशियंट ऑफ x^5। चलो जवाब दीजिए सभी बच्चे, और आज जो बात करेंगे उनको तुरंत ब्लॉक कर देंगे, बिल्कुल एक भी पैसे की रियायत नहीं, जिनको पढ़ना है पढ़ो, जिनको नहीं पढ़ना बिल्कुल मत पढ़ो, भाग जाओ, तुरंत भाग जाओ, कोई प्रकार की अगर बात किया किसी से तुरंत ब्लॉक करेंगे, तुरंत ब्लॉक करेंगे, जिसको जाना वो जाए, तुरंत जाए, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक ना,
क्योंकि उस दिन दिमाग एकदम से ऑफ कर दिया था, मूड ऑफ कर दिया था, कोई प्रकार की बातचीत हुई हाय हेलो तुरंत ब्लॉक, क्योंकि हम लिमिटेड बच्चे रखेंगे लेकिन पढ़ेंगे शांति से, केवल और केवल पढ़ेंगे बस। चलिए, तो इसमें गुणांक 19 है। जो वेरिएबल्स के सामने नंबर लगे होते हैं वो क्या होते हैं, उसके कोफिशियंट होते हैं, गुणांक होते हैं। इसमें गुणांक 17 है भाई। गुणांक वही होता है जो कांस्टेंट होता है, वही क्या होता है, गुणांक होता है। जिनको नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम उनको बताएंगे। चलिए, तो इसमें 3 का गुणा करोगे 4 में, तो हम जानते हैं 3 चौक क्या हो जाएगा 12, ये आप जानते हो ठीक। और भैया यक्ष का यक्ष में गुणा करना है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे 1 है, 1-1 घात है ना, तो यक्ष की घात जो ये 1 और 1 ऐसे जुड़ जाएगी, ठीक है। तो फाइनल में आपका कितना हो जाएगा, 12 यक्ष का पावर 2, ये आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जिनको आता है उनको तो ऐसे लग रहा होगा है फालतू है, इतना देर तक इसी में चहक रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते ना। चलो, लेकिन जिनको नहीं आता उनसे पूछो, उनके कितना दर्द होता है इसको जब पेपर में आ जाता है तो टेंशन में हो जाते हैं आके, कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये 3 और 5 का गुणा करना तो आसान था लेकिन जो साथ में एक्स वाई लग गया ये मुश्किल है, ठीक ना। अंजू सिंह थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर कभी नहीं कराएंगे, PVR स्टडी ऐप में जाके देखिए। चलो, यक्ष का स्क्वायर और ये यक्ष का घात 1, मुझे ये बताओ आप लोग, सभी बच्चे बोलेंगे इसमें यक्ष का स्क्वायर का गुणांक क्या है, इसमें यक्ष का गुणांक क्या है, जवाब दीजिए जल्दी बोलिए। मैं जैसे कि बार बार बताया हूँ ना, जिनको पढ़ना है क्लास में वही रहेंगे, मैं बार बार बोलूँ चाहे फिर से बोलूँ, जिनको पढ़ना वही रहेंगे, जो चैटिंग के उद्देश्य से आए हैं वो जब क्लास नहीं शुरू हुई रहती उसके पहले कर लिया करें भाई। क्लास नहीं शुरू हुई रहती है, शेड्यूल रहती है, आप 8 बजे से आ जाओ, 7 बजे से आ जाओ, 9 बजे तक चैटिंग करो, खूब चैटिंग करो, लेकिन जब क्लास शुरू हो जाए तो भाग जाओ तुरंत, फिर बीच में कोई भी डिस्टर्ब नहीं। चलो, इसमें देखो गुणांक 1 है, यार ये कौन बता रहा 3 है भाई, ये ऐसा नहीं है, गलत है। ये जो 3 बता रहे कौन कौन है, रजत हैं, एक शिवांगनी विश्वकर्मा, शिवांगनी विश्वकर्मा जी, ये यक्ष का स्क्वायर में मैंने गुणांक पूछा था, इसमें गुणांक क्या है, 1 है, इसमें 1 गुणांक है, मल्टीपल क्या है भाई, इसके साथ 1 का मल्टीपल हुआ है, तो हम 1 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो ये 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। और यक्ष का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2+1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते चलो, दीपिका यादव, अंकिता सिंह, कुछ समझ में आ रहा है कि बस आप लोग वैसे कमेंटें करे जा रहे हो, हाँ आ रहा ना समझ में। चलिए, तो ये फाइनल में हो जाएगा यक्ष का पावर 3, वैसे बोला जाए तो 1 यक्ष का पावर 3, लेकिन 1 की कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, 1 की कोई कीमत नहीं यहाँ पर, तो क्या होगा, फिर होगा क्या भाई, 1 से मल्टीपल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनल में यक्ष का क्यूब होगा भाई। कुंज बिहारी जी, आप परेशान मत हो, सुबह 8 बजे आना बाबू, ठीक है, सुबह 8 बजे, कक्षा 10 वाले बच्चे सुबह 8 बजे आएंगे, उसके पहले मत कमेंट करो, चले जाओ चुपचाप जल्दी से यहाँ से, और अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, हाँ नहीं पढ़ना जाओ। इसी तरह इसका मल्टीपल करोगे तो इसमें यक्ष का पावर क्या है, माइनस का 2 है और यहाँ पर 2 है, तो जुड़ जाएगा आपको, जैसा कि मैंने पहले बता दिया, पहले मैंने क्या बता दिया, पहले मैंने इसलिए बता दिया कि 1 का गुणांक, 1 का गुणांक करोगे तो 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको लोग नहीं लिखते हैं, इसको लोग नहीं लिखते, ठीक है। तो ये जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा x की पावर 0, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे बच्चा लोग, वो पता है क्या आ गया, हाँ देख रहे हो, दिमाग उमाग के जो ढील लोग हैं ना वो -4 बता रहे हैं, -4 कैसे होगा, दिमाग है ना थोड़ा सा उसको लगाओ, ये माइनस में ये प्लस में है भाई, एक प्लस है एक माइनस है, बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगी है, संख्या नहीं सॉरी, किसी वेरिएबल की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, इसको याद रखना, किसी भी वेरिएबल की अगर घात 0 है, 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ये बात अपने दिमाग में रखना। तो इतनी कहानी समझ में आ गई ना, आ गई ना समझ में, चलिए आ गई समझ में तो छाप लो, वैसे छापने में तो तेज है सब, पहले छाप लिए होंगे,
और एक बात और बता दें, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको पूरा मिल जाए ना, तो वो जाके PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करके उसमें देखें, उसमें उनको एक सिस्टम से पूरा मिल जाएगा और वो आराम से पढ़ें उसमें जाके, ठीक है। हाँ, बाकी जो कुछ कोर्स उसमें डिस्टर्ब हैं उनको हम जल्दी से जल्दी अपडेट करेंगे। चलिए, आया समझ में? आगे चलें अब हम लोग, ठीक है, गुड है, वेरी गुड है। चलिए, इस तरह के इसमें होते हैं कुछ क्वेश्चन। एक और बता दें, जो मैंने सजातीय विजातीय पढ़ाया था, अगर आप लोग को याद हो तो मैंने ये बताया था, सजातीय विजातीय पढ़ाया था ना, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। हाँ ठीक है, सब कुछ फ्री में हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम खड़े नहीं रहेंगे, हम भी चलेंगे ठेला लगा के सब्जी बेचने लगेंगे फिर, ठीक ना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए सब कुछ फ्री संभव नहीं हो पाता भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम बनाना पड़ता है, और वो सिस्टम बनता कैसे है आप सभी समझदार हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका कितना आएगा, आप लोग को पता है कि नहीं पता है? जवाब दीजिए, फटाफट बताइए। जवाब दीजिए कितना आएगा, देखो ध्यान दो, इसमें चर और अचर दोनों प्रकार के पद शामिल हैं, मतलब इसमें वेरिएबल्स भी हैं और कांस्टेंट भी हैं ना, वेरिएबल कांस्टेंट हैं नहीं है, दो प्रकार के चर हैं, एक यक्स है एक वाई है, यक्स और वाई इसमें दोनों हैं। हाँ भैया है ना, फिर देखो क्या होगा, ये यक्स का यक्स में गुणा होगा, वाई का वाई में होगा, जैसे मैंने बताया था बहुत सारे जानवर का एग्जाम्पल लेकर के, जो लोग सजातीय बिजातीय पढ़े थे बताया था ना उसमें, जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था, अब कुछ नहीं बताएंगे ये जान लो, केवल किताबी भाषा पढ़ो बस, व्यवहारिक भाषा पढ़ाने में कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। जैसे यक्ष है तो उसका गुणा यक्ष में ही होगा, वाई है तो वाई में होगा, जेड है तो जेड में होगा, बी है तो बी में होगा, सी है तो सी में होगा, मतलब किसी दूसरे में नहीं होगा। तो यक्ष का स्क्वायर का गुणा किस में करोगे भाई, यक्ष में करोगे, इनको पहले इकट्ठा कर लो और फिर वाई इंटू वाई का स्क्वायर इसको कर लो, इतना बात पक्की है ना। अब ध्यान दो आप सभी बच्चे, बहुत ईमानदारी से देखो, ये घात यहाँ पे वन है, यहाँ पे घात वन है, तो गुणा करने पे क्या होगा, जो सजातीय पद हैं उनकी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो इसकी घात दो इसकी एक जुड़ जाएगी, और ये गुणा का चिन्ह इसमें लगा रहेगा, वाई की घात वन प्लस टू ये जुड़ जाएगी। अब ऐसा मत करना कि सभी को जोड़ दो उसी में, हाँ ऐसा मत करना कि सभी को जोड़ दो, सभी को नहीं जोड़ना है, तो क्या करोगे, यक्स का पावर ये तीन हो जाएगा, वाई का पावर तीन हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे जो यक्स वाई की पावर छः वगैरह कुछ भी लिख लेंगे ना, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। चलिए आगे चलें, आगे चलें, ध्यान दो अब, ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ये था समान आधार वाले घातांकीय व्यंजकों का गुणा। अगला है विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा, लेकिन विभिन्न चर वाले मैंने बता दिया। अब एक आता है जो थोड़ा सा अलग है, सबसे अलग है, हेडिंग डालो एक पदीय बीजीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा, एक पदीय बीजीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक का गुणा। चलो हेडिंग लिखो, सभी बच्चे लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, एक पदीय बीजीय व्यंजक और बहुपदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा। ये आठ का मैंने लाइन खींचा था बस, एक पदीय बीजीय व्यंजक व बहुपदीय व्यंजकों का गुणा, इधर तो दिख रहा है साइड में, क्लियर ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मुझे ये बताओ आप लोग इसको कर लोगे कि नहीं, इसको कर लोगे कि नहीं कर लोगे, आगे चलें? चलो ठीक है, अब ध्यान दो इधर साइड में आप लोग, क्या है वो,
एकपदीय बीजीय व्यंजक आप लोग जानते हो, एकपदीय बीजीय व्यंजक आप लोग जानते हो, हाँ तो बहुपदीय नहीं जानते हो। बहुपदीय मतलब जिसमें एक से अधिक हो, जिसमें एक से अधिक हो उन्हीं को क्या बोलते हैं, बहुपदीय बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं, जिनमें द्विपदीय भी आ जाता है, तीन पदीय भी आ जाता है, चार पदीय भी आ जाता है, कई आ जाते हैं। ध्यान दो आप सभी, हमारे पास इसमें कुछ फाइल हैं, उनको मैं लेके आया हूँ, मैं उन्हीं को दिखाऊंगा। जैसे अगर तीन एक्स का गुणा करना है 5 धन 3x में, इसका मुझे मल्टीपल करके बताओ। जानवी यादव जी कमेंट देख रहे हैं, अगर आप उत्तर बताएंगी तो कमेंट आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जो बच्चे आंसर देंगे हम सबका कमेंट देख रहे हैं, बस हमें प्रॉब्लम उनसे है जो लोग बात करते हैं। कोई प्रकार की फालतू बात करेंगे हमें उनसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई प्रकार की बात करेंगे तो मुझे दिक्कत है उनसे। चलो आंसर बताओ, तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, जो आंसर बताएंगे मैं सबका नाम बोलूँगा। चलिए देखो, नाराज की बात नहीं है आज, वजह क्या है ना, कल आपने देखा था ना क्या क्या हुआ था, ये बात बात ना बहुत लंबी हो जाती है। कल देखा था क्या क्या हुआ था भाई, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तुम लोग उसके जान के पीछे लग जाओगे, तो डिस्टर्ब सबको होता है ना। हमें तो यहाँ पे कई चीज़ देखना है, तो जिनको पढ़ना है वो सिर्फ पढ़ें प्यार से, जिनको नहीं पढ़ना है वो जाएँ कहीं और देखें, जहाँ बातचीत हो अच्छे से वहाँ करें। चलो ठीक है, तो बहुत अच्छे बच्चे, सभी का लगभग उत्तर आ रहा है। इसमें सबसे पहले जिसका उत्तर आया मैं उसी का नाम बोलूँगा बस, अमन निषाद और गोल्डन गेमर और खुशबू गुप्ता, इन बच्चों के कुछ उत्तर आए हैं, कोशिश किया इन्होंने। चलिए चलिए, तो फिर क्या करोगे, पहले 3x का गुणा 5 में करोगे, तो 3x का गुणा 5 में करोगे बच्चा, तो ये ऐसे हो जाएगा भाई, हाँ बीच में प्लस, अब इस 3x का गुणा आप इसमें 3x में भी करोगे, तो 3x गुणा ये 3x। देखो बहुत से बच्चे बताएं, लेकिन उसमें काफ़ी लोग का गलत भी है, काफ़ी लोग का गलत है, कोई बात नहीं, कोशिश तो किया आपने। तो ये 3 5 15 हो जाएगा यक्स, और प्लस ये 3 3 का 9, लेकिन यहाँ पे एक एक घात है, तो यक्स की घात 2 हो जाएगी, जुड़ जाएगा। इतना कोई लिखा है, 15 यक्स और क्या लिखा है, प्लस 9x का स्क्वायर, लिख लो फटाफट, नोट कर लो बच्चे, सभी को समझ में आएगा। और बड़ा ही ये मज़ेदार क्लास है, अगर समझो तो बहुत अच्छी क्लास है, जो समझेंगे जो पढ़ेंगे उनके लिए। ब्रेकट के अंदर ऐड क्यों नहीं करेंगे अनुष्का जी, देखिए ब्रेकट के अंदर ऐड करते तब जब ये ऐसे लिखा होता, 3x में 5x, ठीक है, 3x में 5x अगर लिखा होता तब ये ऐड हो जाता। एक प्रकार ऐसे समझ लो, एक प्रकार ऐसे समझ लो कि अगर अमरूद में आम मिलाओगे तो मिलेगा नहीं, अमरूद अलग दिखेगा, आम अलग दिखेगा, एक नया एग्जाम्पल है। बाकी मैं थोड़ा इधर उधर का एग्जाम्पल बताते हैं तो लोग मज़ा ले लेते हैं, और फिर लोग हल्के में ले लेते हैं, इस वजह से मैं कोई भी मजाकिया एग्जाम्पल नहीं बताने वाला हूँ। चलो तो देखो, जुड़ने के लिए पद सजातीय होने चाहिए, एक तरह के पद होने चाहिए तभी जुड़ेगा, नहीं तो जुड़ेगा नहीं। यहाँ पे आप देखो यक्स नहीं है, अगर यहाँ पे यक्स होता तो जुड़ जाता, तो 5 और 3 8x हो जाता, लेकिन ये बेचारा अकेला है और ये जोड़ी वाला है। आपको पता है ना, अगर कोई अकेला है कोई जोड़ी वाला तो उसको कितनी प्रॉब्लम होती है उससे, तो ये बात समझ लो आप, इसी वजह से ये जुड़ेगा नहीं। तो ये आ गया आंसर, ये एक प्रकार का आपका मल्टीपल था, जिसका टाइटल आप ऊपर देख रहे हो, टाइटल ऊपर लिखा है। आप चलो आगे देखो, आगे देखो भाई, जो देख रहे हो वही क्लास है, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ये सबके लिए है, और फालतू की बात कोई मत करो, सिर्फ पढ़ाई करो जिनको पढ़ना है, जिनको लग रहा है कि हमारे काम का नहीं वो चुपचाप चले जाएं शांति से, हम उनको फिर नहीं बोलेंगे कि तुम आना, ठीक है, क्योंकि पढ़ना है तो देखो ये सबके काम का है, बीजगणित है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबके लिए अच्छा है। और नहीं कुछ आता है पूछो, हम बताएंगे, हम तो उसी लिए यहाँ खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, लेकिन कहो कि हम इधर उधर की बकवास करें तो फिर अब बर्दाश्त के बाहर है। चलिए कितना आएगा जवाब दीजिए,
जवाब दीजिए, कोशिश करिए। जो बच्चे नाम वाले हैं कि उनका नाम बोलें, तो वो नाम के लिए पहले काम करें। उत्तर बताओगे नाम बोलेंगे, नहीं उत्तर बताओगे फालतू बात करोगे, ब्लॉक कर देंगे, फिर दोबारा कमेंट नहीं आएगा, पढ़ पाओगे शांति से पढ़ोगे, कोई प्रकार का कोई कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। हाँ बीच बीच में कभी कभार हंसी मजाक हो जाए ठीक है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे नौटंकी हो रही। चलिए जवाब दीजिए, इमरान का उत्तर आ गया भाई, दीपक कुमार, और कोई एनीवन, गोल्डन गेमर आपका भी आ गया, और कोई रिसु, अनुष्का, एनीवन, और कोई बताएगा उत्तर कि यहाँ पे कुछ वैसे आए हैं सिर्फ देखने आए, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, उत्तर बताओ, कोशिश करो भाई, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। उर्मिला मौर्य, अनंत पांडे, अनंत जी और उर्मिला जी, इन्होंने अपने नाम में PBR स्टडी वर्ड लगाया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा थैंक यू। तो हाँ आज खाना नहीं खाया इसलिए गुस्से में है। चलो उत्तर बताओ, जो भी समझ लो वही जान लो, और कुछ मत बोलना अब इसके आगे। देखो इसमें क्या करना है, हमें मल्टीपल करना है, जो चर पद हैं और अचर पद हैं दोनों का अलग अलग हिसाब करना है। उसके बाद क्या करना है पता है आपको, उसके बाद हमें एक काम करना है, कहते ना बेवकूफों की इस दुनिया में कमी नहीं है, उसी में से हम भी एक। यक्स का मल्टीपल पहले 3x5 में करोगे, और फिर यक्स का मल्टीपल इस 2i में करोगे, और फिर यक्स का मल्टीपल 3z में करोगे, सब में बारी बारी से करोगे। तो यक्स का मल्टीपल ये करोगे, अरे यार चल जा भाई, परेशान काहे कर रहा है। तो ये 3x5 में होगा, और माइनस का चिन्ह लगा के यक्स का मल्टीपल 2i में करोगे, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, और फिर यक्स का मल्टीपल 3z में करोगे, ठीक है। इसमें तीन पद हैं, तीनों अलग अलग आएंगे, तीनों पद अलग अलग आएंगे, एक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि तीनों विजातीय पद हैं। अब सजातीय विजातीय के लिए अगर पीछे की क्लास नहीं देखे हो तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट में है, सजातीय विजातीय समझोगे तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। तो ये सजातीय पद हैं, 3x का घात, ये 1 है, ये 5 है, जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा माइनस। देखो भैया यहाँ की 1 घात, यहाँ का 1 घात, ये जुड़ेगा नहीं, ये दोनों नहीं जुड़ेगा, दोनों अलग अलग पद हैं। मैंने कहा था ना बंदर के साथ भालू की जोड़ी नहीं लगती है, हाँ तो बंदर के साथ बंदर की जोड़ी अच्छी रहती है। तो इसका गुणा करोगे तो सबसे पहले अचर पद लिखोगे, अचर पद मतलब इसमें 2 है, फिर यक्स वाई साथ में हो जाएगा, बस ये हो गया, 2 हो गया। तीसरे पे चलो, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। देखो ये यक्स है, ये जेड है, घातें तो दोनों में 1-1 है, लेकिन घातें जुड़ेंगी नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगी, जैसे मैंने अभी अभी कहा कि बंदर की जोड़ी भालू के साथ नहीं लगती है, तो भैया ये दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों यक्स होते या दोनों जेड होते तो इनकी घातें जुड़ जाती, लेकिन दोनों अलग अलग हैं इसलिए क्या करेंगे, ये जुड़ेंगे नहीं, ये 3xz हो जाएंगे। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, यही उत्तर हो जाएगा, बस यही क्या है आंसर है। सभी बच्चे छाप लो जल्दी से, बिना देर करे हुए लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो फटाफट। और देखो यार जो रात के 10 बजे क्लास होती है उसमें संख्या नहीं जुड़ती है, हम उसमें पढ़ाएंगे भी नहीं आज, आज बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ संख्या कम हुई तहाँ हम बंद कर देंगे तुरंत, क्योंकि तुम लोग बेवकूफ़ समझते हो ना, फालतू काहे चिल्लाएं हम। चलिए ठीक है ना, इतना हो गया, लिख लिए। देखो अच्छे से समझोगे, अच्छे से पढ़ोगे, क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे, हम पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, ठीक है। छाप लिए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, छापने में तो बहुत तेज़ हो आप लोग, छापने में तो बहुत तेज हो, कुछ बच्चे तो समझते हैं, कुछ छापने के ही जुगाड़ में लगे रहते हैं पूरा टाइम, कि जल्दी से कब इधर हट रहा है कि मैं लिख लूँ, वो सिर्फ हमें हटने के इंतज़ार में रहते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए, अगर इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए, थोड़ा सा अलग हो जाए, तो क्या 3xy का स्क्वायर और इंटू
यक्स वाई और प्लस वाई जेड, ये क्या है भैया, जेड है और प्लस यक्स, इनका गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसा बहुपद जिनमें एक पद होता है वो एक पदीय बहुपद कहलाता है। आशीष जी ने बिल्कुल सही बताया, कुछ ऐसे ही होता है, सही है। चलिए हाँ एक बात और सुन लो, जिन बच्चों को बड़ा देखना है अगर छोटा में नहीं दिख रहा है तो आप फ़ोन को ऐसे घुमा लो, फ़ोन को अगर इस बगल में रोटेट कर लोगे तो ये पूरे स्क्रीन में दिखेगा, ऐसे दिखेगा, अगर पूरे में दिखेगा तो आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ये बात जान लो। जिनको छोटा दिख रहा है मोबाइल को ऐसे घुमा लो, ठीक है, घुमा लोगे तो आपको क्या दिखेगा, ज़्यादा सही दिखेगा, अच्छा दिखेगा। देखो मोबाइल के अंदर मोबाइल आ गया ना, चलो चलिए ठीक है। तो अब क्या करोगे, इनको भी वैसे ही करेंगे जैसे उसमें कर रहे थे, बाहर वाले पद से बारी बारी सब में गुणा करेंगे। अंदर में कितने पद हैं जल्दी कमेंट करके बताओ, अंदर में कितने पद हैं इसमें, देखो आप ध्यान दो बच्चे, तो अंदर में इसमें एक दो तीन पद हैं, कितने पद हैं, तीन पद हैं ना। अच्छा इसको तो मारो गोली किनारे कर दो, एक छोटा सा सवाल देख लो उसको बता दो। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने लिखा पाँच यक्स और धन यक्स और धन तीन यक्स और धन सात यक्स, इसमें कितना पद है। चलो पूजा यादव का उत्तर आ गया, खुशबू गुप्ता का उत्तर आ गया, रंजना का, कपिल भाई, रचना यादव का उत्तर जो है वो काफ़ी मतलब कम्प्लीटली आ गया ऊपर वाले का, इसमें कितना पद है कोई बताए। देखो रूबी अली तीन पद बता रही, इमरान भी तीन बता रहे हैं, कोई चार बता रहा है, कोई पाँच बता रहा है, कमाल के बच्चे यार। और कोई एनीवन, कोई चार बता रहा है, कोई पाँच बता रहा है, कोई तीन बता रहा है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, एकदम अच्छे वाले बच्चे हो। चलो देखो पहले समझो, रंजना देवी का बिल्कुल सही है, बाकी सब का गलत है, अंकिता का भी गलत है, सलीन अफरोज रिशु और नीलम का भी सही है। देखो इसमें एक पद है, ये एक पद है इसमें, कहोगे एक पद कैसे है, कहोगे तो इतना लंबा है एक पद का है बता रहे हो, क्योंकि ये भैया ये सभी सजाती है पद हैं, ये सब जुड़ जाएंगे, ये आपस में एक हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई घर में चार भाई हैं तीन भाई हैं, आपस में भले लड़ाई हो रही है भैया भाभी में, लेकिन जब कहीं बाहर से लड़ाई झगड़ा होता ना तो सब एक हो जाते हैं, तो बस वैसे ये हैं, ये क्या है, ये सब आपस में एक हो जाते हैं। इनको जोड़ो पाँच एक छः तीन नौ सात सोलह, ये सोलह एक्स है बस, वो फैला के दिख रहा था आपको, दिख रहा था बस कि यहाँ सब अलग अलग हैं, वो अलग नहीं है, वो सब एक में हो जाते हैं, बात समझ में आई ना। नहीं नहीं घात नहीं है ढोगी, घात सिर्फ और सिर्फ गुणा करने पे जुड़ती है, जोड़ने पे घात कभी भी बदलती बदलती नहीं है, जोड़ने पे कभी घात नहीं बदलती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अलग अलग समुदाय के हैं, ये अलग अलग बिरादरी के हैं, ये कभी जुड़ के एक नहीं होंगे, ये हमेशा अलग ही रहेंगे, समझ में आया ना। लेकिन ये क्या है, ये सब भाई भाई हैं, आपने सुना होगा ना लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है, तो उसी तरह से भाई भाई में भी होता है, तो ये मान लो सब भाई भाई हैं। चलो ठीक है, अब देखो आगे इसमें कितना पद है, इसमें कितना पद है, एक दो तीन, इसमें तीन पद है, इसमें तीन पद है, कन्फर्म है, क्यों, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, सब अलग अलग हैं, ये तीन पद है, इनको जोड़ लो ये कभी भी जुड़ेंगे नहीं एक में, पूरी तरह से नहीं जुड़ेंगे। आप इनका गुणा करो, तीन एक्स वाई स्क्वायर, यार जितनी ज़्यादा स्याही डाल दिया उतना ज़्यादा ख़राब हो गया ये, कमाल है। अच्छा ज़्यादा स्याही भरना भी मुश्किल है भाई। अब इनका गुणा करो कि पहले किस में, एक्स वाई में और धन ये तीन एक्स वाई का स्क्वायर। देखो हमने पहले तीन एक्स वाई स्क्वायर का पहले में गुणा कर दिया, अब तीन एक्स वाई स्क्वायर का हम गुणा दूसरे में करेंगे यानी वाई जेड में, और फिर धन तीन एक्स वाई स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे बच्चा, तीसरे पद में करेंगे मतलब एक्स में। इस तरह से आप एक एक में सब में कर लो, आपका आंसर आ जाएगा फटाफट, क्लियर कर लो, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। जो सजातीय बिजातीय पद पढ़े हैं उनका हो जाएगा, जो नहीं पढ़े उनका पक्का नहीं होगा, याद रखना क्लास हर रोज़ चलती है,
ये क्लास हर रोज रात्रि 9:45 तक चलती है, ठीक है, हर रोज 9:45 तक होती है, किसी दिन गैप नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ संडे को क्लास नहीं होती है। तो संडे को नहीं होती है, संडे को इसकी जगह पे कुछ अलग होता है, लेकिन होता जरूर है कुछ ना कुछ। चलो इनमें देखो, एक घात है, इनमें एक है, इनमें एक है, तो भैया जो सजातीय पद है उनकी घात उसी में जुड़ेगी, सजातीय पद की घात सजातीय में ही जुड़ेगी। तो ये 3 का गुणा करोगे, इसके गुणांक में 3 ही रहेगा, यक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2 हो जाएगा, वाई का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 हो जाएगा, और बीच में प्लस का चिन्ह लगाओगे फिर क्या होगा, ध्यान दो। अब इसका हिसाब करेंगे, इसका हो गया, इसका हो गया पूरा, इसका हिसाब करोगे तो कैसे होगा, ध्यान दो भाई, 3 का गुणा इसमें कर लो, कोई भी यक्स वाई में कोई अचर पद नहीं है, गुणांक नहीं है, तो क्या करोगे बच्चा, ये 3 ही रहेगा, यक्ष की घात 1 है, इसमें कोई यक्ष नहीं है, इसलिए ये बेचारा यक्ष अकेला ही रहेगा, अकेला छोटा सा मायूस सा बैठा रहेगा, इसका किसी में जुगाड़ नहीं लगेगा। हाँ, अब वाई की बात करें तो वाई इसमें देखो 2 है, इसमें 1 है, तो भैया ये 2 और 1 3 हो जाएगा। जेड की बात करो तो जेड बेचारा अकेला है, वो भी चुपचाप अकेला रहेगा। आगे अगर तीसरे पद में चलें, 3 वैसे रहेगा क्योंकि उसमें कोई भी यक्ष में कोई गुणांक नहीं है, यक्ष की घात देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये जुड़ के यक्ष घात 2 हो जाएगी, वाई बेचारा अकेले 2 घात पहले से ही था, तो ऐसे रहेगा, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये सबको नहीं समझ में आएगा, बहुत बच्चे इसमें नहीं टिकेंगे मुझे पता है, भाग जाएंगे वो, क्योंकि यहाँ पे दिमाग भी लगाना पड़ेगा ना साथ में। चलो ठीक है, तो आज की क्लास का जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, यहीं पे ओवर होगी, इसके बाद कल क्लास चलेगी, आज होमवर्क भी नहीं देंगे, इसमें क्लास अगर 40 मिनट चलेगी तभी होमवर्क हो पाएगा, इस तरह से खुद से सवाल बना के घर से करो, खुद से सवाल बनाओ घर पे और करो। और हाँ, जिन बच्चों का इंटरनेट धीमा है वो अपना इंटरनेट सही करें, क्वालिटी चेंज करके देखें, एकदम HD क्वालिटी में दिख रहा है, इसके आगे नहीं जोड़ा जाता है क्या? नहीं, देखिए खुशबू जी, अगर इसके आगे ये सजातीय पद हैं इसमें कोई भी तो जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें कोई सजातीय पद नहीं है, थोड़ा गलत है, कहाँ गलत है बताइए, चलिए जल्दी बताइए। अनुष्का शुक्ला जी, आपका दिमाग जहाँ पे चल रहा है आप बताइए, जल्दी करिए, हम सुन रहे हैं कहाँ गलत है, चलिए जल्दी बोलिए, मैं चेक कर ले रहा हूँ, अगर आपको डाउट है तो ठीक है। 3xy का स्क्वायर का इसमें गुणा करोगे भैया, ठीक है, ये मैंने कर दिया, इसका गुणा इसमें करेंगे, और फालतू के अगर कोई बोलेगा ना तो ब्लॉक भी कर देंगे, ये भी जान लो, अगर सिद्ध नहीं हुआ तो, ठीक ना, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, अनुष्का शुक्ला जी कहाँ गलत है, क्या गलत है, जवाब दीजिए तुरंत, भागिए मत। हाँ ठीक है, हम मानते हैं कहीं अगर कोई मिस्टेक है तो बताइए। 1-1 जुड़ जाएगा, ये 2-1-3 हो गया, इसमें यक्स का घात यक्स ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा, जेड ठीक है, सब ठीक है, कहीं कुछ नहीं गलत है, आप दिमाग अपना लगाइए, ठीक है। यक्स स्क्वायर कैसे हुआ, कहाँ हुआ यक्स का स्क्वायर, देखो कैसे हुआ, यहाँ यक्स की घात 1 है, यहाँ पे यक्स की घात 1 है, दोनों जुड़ा 1-1, तो यहाँ पे घात 2 हो गया, यहाँ पे यक्स का स्क्वायर हुआ ही नहीं है, यहाँ पे कैसे हुआ देखो, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 1 घात है, दोनों जुड़ के यहाँ 2 घात हो गया, ठीक ना, समझ में आया ना कैसे हुआ। हाँ बिल्कुल, पूछो, खूब पूछो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, हम सब बताएंगे, लेकिन फालतू की बात कोई नहीं करेगा क्लास में। आप समझ में आया ना। नीतू बघेल, थर्ड सेमेस्टर के लिए आप PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेज करिए, क्योंकि थर्ड और फर्स्ट सेमेस्टर का अभी टाइम नहीं है, क्लास नहीं चलेगी, तो थर्ड फर्स्ट का आप वहाँ से जाके ले लीजिए, कुछ दिन बाद चलेगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट हो तो बता देना, सभी को आ गया ना। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों को, आप सभी से एक निवेदन होगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सभी बच्चे लाइक करेंगे, अगर आप लाइक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो हम इस तरह के फ्री में सारा क्लास यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, बच्चे नहीं जुड़ेंगे, तो फिर हम यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे, फिर आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा सबको, जिनको पढ़ना जिनको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे भाई, देखो आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है, तो यार हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हम क्लास हर रोज़ पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है आप क्लास को शेयर करो, अपने फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दो, आपके जो ग्रुप हैं व्हाट्सएप में कोई उन पे शेयर कर दो, ये सब तो करो ना आप लोग, ठीक ना।
तो चलते हैं फिर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बच्चों को, सभी साथियों को, फिर मिलते हैं 10 बजे।